तो राग मालकौंस जो आपने जिक्र किया, तो उसको थोड़ा सा गुनगुनाते ही चलिए। इतना खूबसूरत राग है और आपके लिए तो बहुत खास राग है वो। जी, तो बाद में तो खैर जो है, हम जो है वो फिर गुरुजी का स्टाइल, हम गाना सुनते रहते थे, थोड़ी स्टाइल आती थी, और वही बंदिश गुरुजी गाते भी हैं, वही मैं सुना रहा हूँ आपको। जी और बंदिश तो उस समय छोटा ख्याल, हमने पंडित ओंकारनाथ जी का जो था वो सुनाया था उनको, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, तो ये सुनाया था। तो आपको मैं बंदिश दूसरी सुनाऊंगा, तो जी रिकॉर्ड करो। बंदिश के बोल हैं, पग लागन दे मोरे महाराज कुंवर। विलंबित है रचना ये, तो थोड़ा गाते हैं इसको, इसका मूड समझिए जरा।
घट घट में है राम रमैया, घट घट में राम रमैया, राम रमैया, घट घट में राम रमैया, आसन से मत बोल तो राग मालकोस की इस रचना के बाद और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जानना चाहेंगे पंडित जी आपसे, क्योंकि हम लोगों को तो बस सुनने का सौभाग्य मिला पंडित भीमसेन जोशी जी को, आपको तो मिलने का सौभाग्य मिला, उनसे सीखने का सौभाग्य मिला। अब कैसे एक एक शख्सियत के तौर पर कैसे आप उनको याद करते हैं, मतलब कड़क मिजाज थे, मौज मस्ती वाले थे, कैसे आप एक गुरु शिष्य का जो संबंध रहा वो कैसा रहा आप लोगों का? नहीं, हम लोगों का जो गुरु का गुरु जी का वो था, गुरु जी मेरे देखने में बड़े सख्त लगते थे ना, देखने में ऐसा नहीं था उनका, बड़े जोखी मिजाज के थे वो, जैसे गंभीर रहते तो ज्यादा बात बहुत कम करते थे, यानी पूरे 5 पेज का काम 1 सेंटेंस में निकालना, 5 पेज में जो लिखेगा कोई जी या 5 पेज लिख के बताएगा उसको 1 सेंटेंस में, उसका 1 सेंटेंस ऐसा रख देंगे ना उसके आगे कुछ है नहीं, पूरा पूरा सार शब्द रखते थे, सार रखते थे वो, ज्यादा वो बात उनको जैसे बात नहीं, जैसे कई लोग नहीं जो बातें ज्यादा करते हैं, वो बातें करना उनको ज्यादा पसंद नहीं था, वो बोलते थे जितना भी है करके दिखाओ। उनकी सोच जो थी, मैंने ये देखा, मैंने उनकी सोच क्या थी, बात नहीं करना है, जैसे आजकल तो बातें ही होती है ना मंच पे, ज्यादा बात लोग करते हैं, हम लोगों को तो समय नहीं पड़ पाता, कोई बोलता 1.5 घंटा गाना है वो हमको समय कम पड़ता है, कई लोग तो अपना टाइम पास करते, देखिए मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं इतना बात कर रहा हूँ आपको ना, अब जैसे हमको बोलने में थोड़ा हमको भी हिचकिचाहट होती है, बोलना गाना, बोलना गाना दोनों, तो अब ये है कहीं कभी, अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में भी नौकरी किए हैं तो उसमें भी बोलना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये परफॉर्मिंग जो है जी, मंच प्रदर्शन ऐसा है कि इसमें बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बोलने का वॉइस कल्चर अलग है और गाने का वॉइस कल्चर अलग है, पता नहीं अब कितने लोग इससे सहमत होंगे, इसको बोलेंगे मानेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि गाने का वॉइस कल्चर अलग है, क्योंकि तो गाने का बोलने के बाद गाने का नहीं मन करता है, गाएं तो सिर्फ गाते रहते, गुरु जी मेरे कहीं देखिए मंच पे ज्यादा बोलते नहीं थे वो, सीधे गाना, वो एक जगह कहीं बोले भी हैं कि हम जब से आए हैं तब से यहाँ लोग बात ही कर रहे हैं, यहाँ बातें ज्यादा हो रही हैं और गाना बजाना कम हो रहा है, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, पहले के जमाने में लोग केवल गाते थे, बात कम करते थे गाते थे, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, अब जैसे कई लोग मंच पर से बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, उनको ये नहीं है कि सामने हमसे सीनियर लोग भी बैठे हैं, अब से कोई कलाकार बड़ा बैठा है उनको उनके सामने हम बोलने जाए, ये इस गंधार इसका ऐसे लगता है, इसका धैवत ऐसे लगता है, हमको बोलने के लिए नहीं बुलाया गया, हाँ मैं जब बोलने के, जैसे आप अपनी बोले कि इसमें बात करना है तो मैं तो बोलना चाहिए, हो सकता है उनको खराब भी लग सकता है, माने कोई हमसे सीनियर भी तो होंगे, बुजुर्ग सामने बैठे हैं, बिल्कुल, तो ये जो है बोलना, गुरु जी बोलने में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे और बड़े वो संत प्रवृत्ति के आदमी थे, उनकी प्रवृत्ति संत थी, वो लालची प्रवृत्ति का नहीं थे। एक बार मैं वाकया बता रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा था, पहली गुरु पूर्णिमा थी मेरी, तो मैं वहां पहली बार गया, एक दिन पहले पूछा गुरु जी कल आना है, बोला कल क्या है, मैं बोला गुरु पूर्णिमा है, बोले क्या होता है उसमें गुरु जी बोले क्या होता है उसमें, हमने कहा हम गुरु जी की पूजा करते हैं, हम आपकी पूजा करेंगे, गुरु जी बोले नहीं नहीं भगवान की पूजा करने का
तो हमने बोला कि भाई मेरे भगवान तो आप ही है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो बहुत बड़ा है। उनका कहने का जो अंदाज था, जो बोलने का अंदाज था उनका, ऐसा नहीं है वो बहुत बड़ा है। हाथ ऐसा करके बोला कि जैसे वो देख रहे हो उनको, भगवान को। तो उनकी ये था कि फिर हमने बोला फिर अच्छा ठीक है तुम आ जाना। तो ये उनका वो नहीं था। हम लोग जो भी लेके गए तो बोले ये क्यों लेके आया, तो फूल माला लेके गए थे। बोले हम माला तो बांधते नहीं, ये तो अपने गुरु को। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।